जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। राम जी क्या कर रहे हो? राम से बजाना बंद करो। सुल्तान तारी जान है राणा साहब, तुम ये तने उसे बचाने से रोके है, तेज की औकात दिखा दीजिए राणा साहब। महल के आसपास जितने भी त्रिशूल धागे और नमक की रेखाएं हैं, उन सब ने मिटा दीजिए। मारे होते हुए आप ना कर सके। मंदिर के पट तो कई सालों से बंद है। इस मंदिर के पट अब खुलेंगे। ये सब कैसे होगो? शत चंडी यज्ञ करना होगा हमें। जिस यज्ञ का नाम ना ले सकूं मैं, अगर वो हो गया तो राणा साहब की सारी इंद्री से कब्जा खो बैठूंगी मैं, उन्हें सौतन के हाथ खो बैठूंगी मैं। जारा आप घबराइए मत, इंशाल्लाह आपको आपके यज्ञ में कामयाबी जरूर मिलेगी। राम के ऊपर जो भी बुरी शक्ति है उसे राम से दूर होना ही होगा। घर में उदासी को हटा के जो सबके चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है, अपने अकेलेपन को भूलकर तन्हाई में भी मुस्कुराता है। आखिर डॉक्टर वेदांत के जीवन में कब आएगी बहार? देखिए एक नई कहानी राजा बेटा 15 जनवरी से 6:30 बजे Z TV पर। हम लोग जा कर रहे हैं? आज मैं आपने कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिसे देख के आपके पैरों से जमीन के सच जावेगी। बेचारी सौतन, यज्ञ के हवन कुंड में ही राख हो जावेगा थारा यज्ञ। पूरे साए के प्रभाव में आकर वर्षा चले गए। वर्षा के बिना ये यज्ञ ना होएगा, क्योंकि ये यज्ञ जोड़ी में ही किया जावे है। सौतन का प्यार, उसके साथ लिए गए 7 वचन के फेरे सब भूल कर आप हमारे पास आएंगे। मेरी जिंदगी के तार राम से जुड़े हैं, तू उन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। इस कदम के साथ अपनी मोहिनी में मिल जाइए। माँ खोल कर दर्शन दे मुझे। अपनी मोहिनी में राम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। राणा साहब, हम आपकी 5वीं इंद्री भी मारी, अब आप पूरी तरह से मारे हुए हैं। ये दिया ले, मंदिर में जाके दिया रख दिया। चोरी ही चुड़ैल, अगर हमारा अंदाजा सही है तो मंदिर में कदम रखते ही यह चुड़ैल भस्म हो जाएगी। राणा साहब, आप मने छोड़ के ना जा सके हैं। चकवा, मन्ने थारी जरूरत है। आओगे ना मुझे मिलने? मैं जानती थी तू जरूर आएगी। काय को इतनी चिकम चिल्ली कर रही है? हाँ, मेरा नया नंबर नहीं है कि तेरे पास? शीला को मैंने कहा था तुझे नया नंबर देने के लिए, फोन कर लेती। हाउ आउटडेटेड। अरे इधर देख, इधर। तुझे पता है ना कि मुझे कितना समय लगता है तैयार होने के लिए? वैसे भी चुड़े लोक में कितनी भीड़ है। How traffic, you know? अरे टाइम लगता है बाबा आने के लिए। क्या 500 साल पुराने तरीके वापर रही है और कठपुतली पे नॉक नॉक कर रही है। मॉडर्न बन, मॉडर्न। How outdated, हाँ? चल ठीक है, जैसे भी आई तू आ तो गई ना, हमारे लिए तो बस उतना ही काफी। तू ना आती तो पता नहीं हमारा क्या होता।
मालूम है मेरे को, मेरे बिना सबकी लाइफ है वेस्ट, क्योंकि ये चुड़ैल है सबसे बेस्ट बेस्ट बेस्ट। मुंबई की अदा, पुणे की मिर्ची, कोल्हापुर के मसाले, नागपुर के संतरों के जूस से बनी है ये चिकनी चमेली चुड़ैल। मारे राणा साहब बैरामगढ़ छोड़ के चले गए हैं और मारा जादू बैरामगढ़ पार ना चले हैं। पर थारे पे कोई रोक ना है चकवा, तन्ने मारे राणा साले वापस लाना होगा मारे लिए। ओ माय शैतान, चुड़ैलों के निरूप आ रहा है, तेरा काम हो जाएगा। चकवा नाम है मेरा और चकमा देना काम है मेरा। रास्ता भटका दूंगी, दुनिया घुमा दूंगी। जुप, 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 जुप। अब ये क्या है चकवा? चुड़ैल एग्रीमेंट, काम जो तू बोले दाम जो मैं बोलू। अब आई हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊंगी ना। तू जो बोलेगी मैं वो तेनु देने के लिए तैयार हूँ चकवा। बस मारे राणा साह ने मारे पास वापस लिया तो लगा ठप्पा। गबाई, एक्सीलेंट। अब तू भेज तेरे वाले के पास। मदे चकवा का चमत्कार। जब सौतन की मौत आती है तो वो चकुआ की तरफ भागती है। वो फोन सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए क्योंकि उस फोन में मेरी जन्म कुंडली है। आप सबको ये बात पता होगी कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अगर तुम्हारे फैमिली की ये हालत है तो तरुणी इन सब के लिए काफी है। अभी नहीं काफी हो, समझे तुम? ये हरकत मैं भी कर सकता था अभिषेक, पर मैं तुम्हारे लेवल पर गिरूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे नजर मिलाकर बात कर सको। अरे इन लोगों को लगता है कि लड़की वाले ना तो सर झुका के चलेंगे, लड़की दे रहे हैं समझे, और देने वाले का सर और हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तुम तो रुक जाओगे कभी, मगर इन सब पे हुकुम चलाने से हमें कैसे रोकोगे? इससे जीनत भाभी, क्या है ये? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए कि एक तरफ पर्व और रेवती कर रहे हैं शादी जिससे है गुड्डन अनजान, और दूसरी तरफ मकर संक्रांति प्रतियोगिता में इतने कम समय में कैसे गुड्डन साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड्स, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। वेदिका जी, मुझे लग रहा है कि उसे फिर से आपसे प्यार होने लगा। अभी क्या भेज जाएगी, उसे सब कुछ बता दीजिए। आज मैं बता दूंगी उसे कि हम क्या है दूसरे के। वेदिका जी, थैंक गॉड आप आ गई। मैं आपके पास ही आने वाला था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हम दोनों के बीच कुछ कुछ स्पेशल है? हाँ। माफ करिए उसे, लेकिन आज तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मांझी को कस के पकड़ने से हाथ भी कट सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी ही होगी। नहीं मल्हार जी, जीत हमारी होगी।
किस्मत फिर ले रही है शान और अस्मिता के प्यार का इम्तिहान। कैसे इन अनचाहे रिश्तों को उन दोनों का प्यार झेल पाएगा? क्या उनका पवित्र प्यार कर पाएगा इस अग्नि परीक्षा को पार? क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।